coming. Breathe, breathe. She's coming. She's coming. She's coming. There she is. Okay. Yeah, that was great. Yay. एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान दोबारा कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, कैसे गोख में एक बच्चे के होते हुए दूसरा बच्चा आ सकता है। दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास में कारा विंडहोल्ड रहती हैं। पिछले 3 सालों में उनके कई मिसकैरेज हो चुके थे। पिछले साल मार्च के महीने में वो प्रेग्नेंट हुई। दोस्तों, बड़ी बात ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हुई, हैरान करने वाली चीज तो यह है कि इस प्रेगनेंसी के कुछ हफ्तों बाद वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इनकी एक प्रेगनेंसी को कुछ हफ्ते हुए थे, इनकी गोख में एक बच्चा आए हुए, पहले से वो मौजूद था बच्चा, लेकिन फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। तो आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, क्या ये साइंटिफिकली सही है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे, जिसका पूरा सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाली जिस कारा नाम की महिला के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनके कई मिसकैरेज तो हो ही चुके थे, पर फिर भी उसने अक्टूबर में 2 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन उसके दोनों बच्चे जुड़वा नहीं थे। उन दोनों के जन्म में 6 मिनट का फर्क जरूर है, और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि प्रेग्नेंट होते हुए दोबारा प्रेग्नेंट होने का ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार देखने को मिला है। हाँ, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर है, जिसे सुपरफिटिशन का नाम दिया जाता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रेगनेंसी होते हुए भी एक और प्रेगनेंसी बच्चादानी के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती है। डॉक्टर्स की माने तो ये बहुत ही रेयर प्रोसेस है, और अभी तक पूरी दुनिया में इसके सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 केसेस ही देखने को मिले हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच ये सवाल आता है कि आखिर ये सुपरफिटिशन होता क्यों है, क्यों महिला के कोख में एक बच्चे के होते हुए भी दूसरा बच्चा ग्रो करने लगता है। असल में सवाल का जवाब जानने के लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुपरफिटिशन और ट्विन प्रेगनेंसी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वा बच्चों के केस में ऐसा होता है कि एक ही अंडा फर्टिलाइज हुआ, फिर वो 2 हिस्सों में टूट गया, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ही साइकिल में 2 अंडे रिलीज हुए जो अलग अलग स्पर्म यानी कि शुक्राणु से फर्टिलाइज हो गए, जिसकी वजह से जुड़वा बच्चा पैदा हो गया। अब आमतौर पर तो ये होता है जब प्रेगनेंसी बच्चादानी में ठहर जाती है, यानी कि अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, तो महिलाओं के शरीर में बच्चादानी अंडा बनाना बंद कर देती है। इसी की वजह से महिलाओं की माहवारी भी बंद हो जाती है, और उसी कारण उनकी आगे की प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाती। दोस्तों, ये भी होता है कि महिलाओं में यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो सेकेंड प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाती, यानी कि वो सुपरफिटिशन के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर पाती। असल में प्रेगनेंसी के हार्मोन्स गर्भाशय की लाइनिंग को इतना ज्यादा मोटा कर देते हैं कि एक और प्रेगनेंसी उसमें ग्रो नहीं कर पाती। एक प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी प्रेगनेंसी ग्रो ना कर पाने का एक कारण ये भी है कि बच्चादानी से जो म्यूकस प्लग निकलता है वो स्पर्म के लिए खतरनाक होता है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म बच्चेदानी के अंदर तक नहीं पहुँच पाते। तो दोस्तों, यही वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से जब कोख में एक बच्चा ग्रो करने लगता है तो दूसरा बच्चा ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं रही, यानी कि अगर प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी बच्चादानी से अंडा रिलीज हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं गर्भाशय की लाइनिंग दूसरी प्रेगनेंसी को ग्रो करने दे रही है, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं के अंदर 2 बच्चेदानियाँ होती हैं और कुछ महिलाओं के बच्चेदानी के अंदर झिल्ली बनी होती है, जिस वजह से गर्भाशय 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इस तरह का कोई भी मामला अगर देखा गया है तो सुपरफिटिशन हो सकता है, यानी कि एक बच्चा कोख में होने के बावजूद भी दूसरा बच्चा ग्रो कर सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की चीज़ें होना पूरी तरह से साइंटिफिक है, ये कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस, यानी कि इस चीज़ का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, सुपरफिटिशन का पता अल्ट्रासाउंड से ही चल जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक प्रेगनेंसी होगी तो फिर पता चल जाएगी, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी का पता इतनी जल्दी नहीं चल पाता, हालांकि उसके कुछ समय बाद पता चलता है कि एक और प्रेगनेंसी साथ में विकसित हो रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रेगनेंसी के बीच में जो अंतर है वो कुछ दिनों का हो या फिर कुछ हफ्तों का, पर ऐसे भी कुछ केसेस देखे गए हैं जिसमें दोनों प्रेगनेंसी के बीच कुछ महीनों का फर्क होता है, पर ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनके होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। अब दोस्तों, जैसे कि अगर इन दोनों प्रेगनेंसी के बीच में कुछ दिनों का फर्क है तो इससे दोनों प्रेगनेंसी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, दोनों बच्चों को इन चीज़ों को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। अगर दोनों प्रेगनेंसी के बीच में जो फ़र्क है वो कुछ हफ्तों का है या फिर वो फ़र्क महीनों तक पहुँच गया, तो ऐसे में एक प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, वहीं दूसरी प्रेगनेंसी बहुत कम विकसित हो पाएगी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने के बाद एक बहुत ही अहम बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसे केस में डिलीवरी कैसे की जाती है। असल में सुपरफिटिशन के दौरान
दौरान दोनों प्रेगनेंसी की डिलीवरी एक साथ करनी पड़ती है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों बच्चों को एक साथ डिलीवर करने से एक बच्चे की ग्रोथ तो पूरी हो जाती है क्योंकि वो समय पर पैदा हुआ है, लेकिन अगर दूसरी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा गैप है तो उस बच्चे को जो ग्रोथ होती है वो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे जन्म देना पड़ता है। इस वजह से दूसरा जो बच्चा होता है यानी कि जिसकी प्रेगनेंसी बाद में होती है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं कर पाता, यानी कि या तो उसका वजन बहुत कम हो जाता है या फिर उसके शरीर में होने वाला जो शारीरिक विकास है वो पूरी तरह से नहीं होता। कई लोग सोचेंगे अगर ऐसी बात है तो दूसरे बच्चे को कुछ समय बाद डिलीवर क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों, एक महिला के लिए बच्चे को जन्म देना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती। उसके शरीर से एक नई जान को निकालकर बाहर किया जाता है और यहाँ पर तो उसके शरीर में एक नहीं बल्कि दो दो नन्ही जाने मौजूद है जिन्हें अगर एक साथ ना निकाला जाए तो महिलाओं को काफी दिक्कत हो सकती है, जो बच्चा है उसे भी तकलीफ हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स की सलाह पर ही दोनों ही बच्चों को एक साथ डिलीवर करना पड़ता है, जिसके चक्कर में जो दूसरी बार कोख में आने वाला बच्चा होता है वो ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाता। लेकिन अगर माँ अपने ऊपर पूरा ध्यान दे तो जो दूसरा बच्चा है उसके शरीर में लगातार पोषक तत्व जाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जितना भी समय माँ की कोख में होता है उतने समय काफी स्वस्थ महसूस करता है। ऐसे में महिलाओं को अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड होता है तो सुपरफिटेशन की कंडीशन का पता लग जाता है, जिसका पता लगने के बाद महिलाएं अपने ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दें तो पेट के अंदर मौजूद दोनों बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। वरना अगर महिला अपना खान पान किसी एक बच्चे के मुताबिक करती है तो फिर चीजें मुश्किल हो सकती हैं। अब हमारे कुछ खुराफाती लोग ये भी सोच रहे होंगे अगर कोई महिला एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो उसे अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरी बार प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करना चाहिए। ऐसे में हम बता दें कि कई बार महिलाएं जब प्रेगनेंसी की शुरुआती समय में होती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं, वो दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं। और अगर महिला के शरीर में दो बच्चेदानी होते हैं या फिर एक बच्चेदानी के अंदर झिल्ली होती है जिसकी वजह से बच्चेदानी दो हिस्सों में बट जाती है या फिर जो गर्भाशय की लाइनिंग है वो दूसरी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है, तो इन सभी कारणों से एक साथ दो प्रेगनेंसी हो सकती हैं। इसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता और ना ही ये सब कुछ चमत्कार है, असल में ये सब तो विज्ञान है, हमारे शरीर का विज्ञान जो कब किस तरह काम करता है इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता, खास करके महिलाओं के शरीर में, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं और क्या आपको सुपरफिटेशन प्रोसेस के बारे में पहले से पता था? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।